मैंने मारे दो पटा पटा। ओए ज्यादा हो रहा है क्या छोटू? लेकिन लेकिन ये धमकाने का नहीं, तुम ऑन कैमरा, ऑन कैमरा। नहीं 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 छोटे ऐसा पड़ेगा ना तू। इसने कॉल कर दिया ये सोच के, पता नहीं कोई चक्कर वक्कर चल रहा होगा। इतनी मारामारी हो रही है गेवर के लिए संक्रांति के कारण, बहुत ज्यादा मारामारी हो रही है। मोटू ने खाट पकड़ ली है आज। छोटू की एक्टिंग की पराकाष्ठा बताता हूँ। इसको दवाई लेने में इसको लगता है इसको थोड़ा इशू है, इसका गले मतलब जो फूड पाइप है बहुत छोटा है तो दवाई अंदर जाती नहीं है प्रॉपर। तो ये क्या करती है, ये दवाई लेती है और उसके बाद पानी पीती है और यूं करती है, यूं करती है मतलब जब जब भी दवाई लेती है तो ऐसे कि उसको धकेलने के अंदर कोशिश कर रही है। वो एक ज्यादा हो रहा है छोटू। अभी छोटू के गले में वो दवाई अटक गई है, शायद खुल गई है, कैप्सूल लिया था तो अभी थोड़ी परेशान है, वॉमिट वॉमिट उसको मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे वॉमिट हो जाएगी पर हुई नहीं है। इसकी ना डकार आती थी दवाई की एकदम एसिड की से, तो मैं गर्म पानी से ले ली ना दवाई, मैंने वो नहीं लेनी चाहिए थी, उसकी कोटिंग घुल गई है जाते जाते ही। मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा, अभी बज रहे हैं 11:51, पीछे घड़ी अभी भी खराब है, सेल नहीं डलवाए उसमें तो कोई मतलब नहीं उसकी तरफ देखने से। तो जल्दी ब्लॉग अपलोड हो जाएगा और जल्दी सो जाएंगे आज, और आप लोग भी जल्दी ब्लॉग देख लोगे। ब्लॉग देख के प्लीज बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। सुबह सुबह आज फिर से मेरी और अंकिता की लड़ाई हुई। हुआ क्या, अंकिता बिग बॉस देख रही थी और वो बिग बॉस जब देखती है तो वो बिग बॉस देखते देखते पागल हो जाती है। सुबह सब्जी वाला आया, मैंने सब्जी के लिए कहा, छोटू ने उल्टा मेरे को ही डांट दिया और मैंने आज शब्बत मतलब वो आई शब्बत वाला शब्बत खा ली मैंने कि अगर कल सब्जी खत्म हुई या परसों सब्जी हुई तो मैं सब्जी लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि आज सुबह सब्जी वाला आया था। और ये औरत इतनी भर भर के, अभी इसकी शक्ल देखना कैसी शक्ल बनाती है, तो ये औरत इतनी भर भर के चाय बनाती है और फिर मुझे पीनी पड़ती है और मेरे को इतनी चाय पीनी नहीं है, और ये मानती भी नहीं है और ये बोलती रहेगी कि मैं सही कर रही हूँ सही कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मतलब ठीक है गलती करो चलता है, ठीक है मानते हैं, हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन लेकिन ये धमकाने का नहीं, तुम ऑन कैमरा, ऑन कैमरा। नहीं 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 नहीं, हाथ 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 की मैं गर्दन करके चाय में डुबो दूंगी। हाँ ये देखो ये बची हुई चाय का ये करती है, लेकिन ये नहीं कि दूध वेस्ट जा रहा है तो वो ना जाए। भाई कहाँ वेस्ट जाते हैं चाय, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको दिखाता हूँ, छोटू की तवा तवा कर दूंगा। ये देखो इतनी चाय इसने बनाई है ना, नीचे जान दो पहले, नीचे चलेगी पर मेरे को रुक है ना, ये कपड़ा है और ये कपड़ा है, ये मुझे पता है ये पूरा भर जाएगा, और ये छुटका सा कप है ये भी गारंटीड भर जाएगा, और मैं कह रहा हूँ फिर भी चाय भर जाएगी, और ये तो मैंने इसको रोक लिया और चाय बनाने से, बाकी इसमें और दूध डाले जा रही थी और उसकी पता ये कर कैसे रही थी आपको दिखा दो। शी वाज लाइक कि बिग बॉस इधर चल रहा है, इधर देख रही है और इधर दूध डल रहा है, मतलब दूसरी तरफ से दूध डल रहा है यूं करके, और डाले जा रही है, भाई करना ही है। और ये देखो औरत ऐसे जुल्म करती है आदमियों पर, मैं केस लगाने की सोच रहा हूँ, लेकिन इसका एक भाई वकील है तो भी मतलब नहीं है। ये घरेलू हिंसा में आता है औरत, ये सब मत करा कर ऑन कैमरा। तेरे को पता है तेरे को देख देख के और भी औरतें इंस्पायर हो रही हैं, इंस्पायर अपने 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 आदमियों की जिंदगी खराब करनी होगी। चाय बन जा रही है, चाय पी लो रेस्ट करो, गलती मत निकाला करो, चाय नहीं बनाऊंगी नहीं, खत्म। ये ऐसी ब्लॉगिंग करता है आदमी, इसलिए मैं इसको निकालने वाला हूँ। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब मेरी ब्लॉगिंग गैस खत्म होने वाला है गाइस, अभी गैस वाले को ऑर्डर करना पड़ेगा नए गैस सिलेंडर के लिए, और देखने की बात ही है सस्पेंस छोटू क्या है, तो समझ रही सस्पेंस क्या है, सस्पेंस ये चाय पूरी बनेगी या नहीं बनेगी, पर छोटू ने पीछे ही बंद कर दिया। अब मैं इसको कैसे मान लूं कि ये बन गई, मेरे हिसाब से तो कच्ची है, मुझे कच्ची नहीं, मुझे मैं मानने को तैयार नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं मान सकता कि ये बनी है, मैं नहीं मान सकता। आंटी को बुला के लाती हूं। नहीं 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 आंटी पी चुकी है, आंटी इज ऑन वेट लॉस। इतना बड़ा कप है और इतना भर भर के बनाती है, ये देखो ये औरत सुधरने वाली नहीं है, इतनी कोई चाय पीता है, इंसान तो पीता है नहीं, ठीक है औरत ही पी सकती है, चाय नहीं मिलेगी आज।
मैं मेरी चाय तो पीऊंगा तो क्यों थोड़ी तो पीऊंगा बाकी छोड़ दूंगा बाकी से कुल्ला कर लूंगा। बिग बॉस में अभिनव और रुबीना की खास बात यह है कि वो इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश के कि मैं और मोटो ऐसे चकरा इसका क्या मतलब। अभी उसने बोला हैकलिंग, यार हैकलिंग का क्या मतलब, हैकिंग तो मैंने सुना था। देखो गाइस क्या स्पीड में खाना खाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों का बुलावा आया है, मोटू को बुलाया है। तो मोटू अभी अपने दोस्तों के साथ जाएंगे चाय वाय पीने। और फोन किस नाम से आया मोटे? नेहा। ट्रू कॉलर पे आ रहा नेहा। मैं बताऊं दवे, एक शक की औरत ने क्या किया, जैसे नाम फ्लैश हुआ लड़की का, इसने कॉल कर दिया, इसने कॉल कर दिया ये सोच के पता नहीं कोई चक्कर वक्कर चल रहा होगा। आदमी का हाथ गई थी, रंग के हाथ पकड़ता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं भी वही सोच रहा था कि मोटू की बैंड बजने वाली है, पर मोटू बच गए। फिर कॉन्फिडेंस आ गया बैक, मोटू गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। आई फायर्ड बैक टू हर, मैंने मारे दो पटाक पटाक। पटाक पटाक की शक्ल दिखाना उसमें राकर। किस में? हद में। हद में एजाज बोलता है ना, उम्र की हद में, उम्र की औकात में एजाज खान बोलता है ना। ओके ओके, कौन बोलता है लड्डू? एजाज खान। हाँ वो एजाज को बहुत लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, बोलना बेटे एजाज खान, एजाज होता है वो एजाज। अरे वाह, कोई भी हो तो मैं अभी तक नहीं नहीं हूँ क्योंकि मेरे को आ रहा था थोड़ा थोड़ा आलस। तो मोटू नहा चुके हैं और नहा के सेम कपड़े पहन चुके हैं कि कपड़े आजकल मोटू को खुद धोने पड़ रहे हैं अपने। वैसे मैंने कहा नहीं है कि अपने कपड़े खुद धो, बट अपने शौक से ही फरमा फरमा के धो रहे हैं। तो मोटू ने वापस वही कपड़े पहन लिए आज। शी 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 शी। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि चाय पहले पी जाए पहले नहाया जाए। मन तो कह रहा है पहले नहा के फिर चाय पीऊं, पहले जहर टेस्ट करो तुमको ज्यादा टेस्टी लगेगा, उसके बाद तुम कुछ भी करोगे ना तो उसमें आनंद ज्यादा आएगा, मजा आएगा तुमको मजा। आपको कैसे पता, आपने किया हुआ है क्या कई बार? तुम भी ट्राई करो ये ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहती है, अगर एक भी अपना लो ना तो अगले दिन मैं आपको ब्लॉग में नजर नहीं आऊंगी। मोटू की चाय मुझे बनानी नहीं है तो मैं तो नहा के आराम से फ्रेश फ्रेश होके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे तैयार होके आप लोग से मिलती हूँ चाय पे। ये समझ नहीं आ रहा मोटू ने कौन से उपकरण से किया है ये। मोटे क्या कर दिया? ये निशान किस चीज का है? ये कुकर का ढक्कन रखा था। कुकर का ढक्कन रखा था, वाह साफ नहीं करते हैं जनाब, पीछे से करके चले जाते हैं। He is saying he is married, so he won't do it. अभी मैं लिटरली दो कप चाय पी के आया हूँ लेकिन फिर भी घर पे आके चाय पीने का मन हो रहा है। अब कुछ भी बोलो, मेरी वाइफ जैसी भी चाय बनाती है अच्छी बुरी, लेकिन मेरे को उस चाय की आदत हो रही है। सो छोटू yes. एक घटिया सी चाय बना दे मतलब अच्छी सी, अच्छी बना दे चाय ना ना, एक प्यारी सी चाय बना दे अच्छी सी, क्यूट सी यार जिसमें डिम्पल पड़ता हो ऐसी चाय। अभी ठंड इतनी हो जाती है 4:30-5 बजे ही ठंड हो जाती है तो विंडोज और गेट वगैरह बंद करने पड़ते हैं। मोटू हाँ प्लीज क्लोज द विंडोज। हाँ जाने चल रहे पीछे स्लो स्लो, आपको सुनाई दे रहे नहीं दे रहे मुझे पता नहीं। हम लोग कर रहे हैं वॉक, मोटू जिम से आए तो मेरे को बोला चल वॉक करेंगे, तो मैंने एक राउंड रनिंग का भी कर लिया गली का। हम सड़कें सुनसान पड़ी रहती हैं और अभी देख 8 भी नहीं बजे होंगे। छोटे ऐसा पड़ेगा ना तू, एक आदमी से तो उठने वाला भी नहीं वजन इतना तेरा। भाग अर्जुन भाग 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 अर्जुन। सो अभी हमने लगा लिए 10 राउंड और अभी हम लगाने वाले 10 राउंड और फिर ऊपर जाएंगे। अभी हम लोग अकेले वॉक नहीं कर रहे, ये माँ माँ नहीं बाप बेटी भी वॉक कर रहे हैं साथ में। मोटू को अपना फ्यूचर दिख रहा है। मैं भी अपने छोटे से बच्चे को लेकर ऐसे वॉक करूँगा रात को। सो मेरे डिनर में बन रहे हैं मक्सिके में मखाने एंड टाडा वेजिटेबल्स विद राजमा। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 13th of January 2021 और ये लड़का सुबह सुबह जिम जा रहा है और मेरे से लड़के जा रहा है कि तूने व्लॉग क्यों नहीं किया, तो मैंने क्या ठेका लिया हुआ है।
मेरे बाल इतनी मुश्किल से बने, खराब तो कर देना छोटू, पीस इतना छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और तेल भी खिला दूंगा, तेल भी खिला दूंगा। क्यों खिलाओगे, मैं खाऊंगी कैसे? ओ यार वो मूवी देखते हो यार, हमने एक मूवी देखी थी उसमें वो ब्रेन जिंदा आदमी का ब्रेन निकाल के उसको खिला देता है। साइको वाली थी कोई ना, खतरनाक मूवी थी, हैनिबल, हैनिबल लेक्टर। ओके सो बाय बाय मोटू, बाय छोटू, मुझे अभी बहुत सारे बर्तन धोने हैं, मैं आज दिखा देती हूं लाइव। मैं दिखाऊंगी, कुछ गंदा नहीं है, आप कहते ना धोते हो, किचन की हालत भी दिखाते हो। मैं आपको बताऊं, मैं है ना सुबह करने वाला था, मैंने बोला मैं कर देता हूं जाने से पहले, छोटू बोलता है कि नहीं मैं कर लूंगा, आप जिम जाओ लेट हो जाओगे। दैट वाज अ फॉल्स नैरेटिव। अरे ताड़ा, देखते जाओ गाइस कितनी सुंदर किचन हो रही है हमारी, ये देखो सारा काम मेरे को करना है, ये सारा काम मुझे अभी करना है और मोटू को बाय बाय कर देता, पहले गेट बंद कर लेती हूँ। साथ में मेरा चल रहा है बिग बॉस, बिग बॉस देखते देखते मैं किचन की स्लैब और साफ करके और बर्तन धो लूंगी। बाय मोटे, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं अभी जाने वाला हूँ जिम, क्योंकि कल मेरा जिम बंद है, तो आज मैं सुबह भी जाऊंगा शाम को भी जाऊंगा। वैसे ही अच्छा नहीं है आप दोनों टाइम जिम जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन कल बंद है और मेरे को मेरा शेड्यूल खराब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि संडे को हमारा जिम बंद रहता है, तो मैं कल की जगह संडे को चला जाऊँ ऐसा हो नहीं पाएगा। और ये छोटू पीछे पीछे मेरी एक्टिंग कर रहा है गंदा आदमी, पर कोई बात नहीं, बीवी है माफ़ कर देते हैं। मैं जिम जाके आता हूँ, फिर व्लॉग करते हैं आगे का कंटिन्यू, और आज मैं कोशिश करूँगा व्लॉग आपको टाइम पे मिल जाए। और ये छोटू है, मैं कोशिश करूँगा कि छोटू मेरे आने से पहले मैं इसको इतना धमका के जाऊँ कि घर का सारा काम कर लेगा, मुझे ना करना पड़े आके, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। रोज रोज मैं इसकी इतनी हेल्प करता हूँ और ये हमेशा आपने पिछले वाले व्लॉग में भी देखा होगा, ये बोलती है कोई हेल्प नहीं करते, और अभी सुबह सुबह मेरे से लड़ भी ली, कुछ नहीं करते सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो आज मेरी छुट्टी है काम की, आज मैं कोई काम नहीं करेगा, आज सारा काम ये ही करेगा। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मोटू ने अभी जूस बनाया है गाजर और चुकंदर का मेरे लिए, वो रखा ग्लास में। और आज बहुत ही अच्छी धूप निकली है, वैसे 2-3 दिन से ही ठीक ठाक धूप निकली है, पर आज तो तगड़ी ऐसा लग रहा है गर्मी वाली धूप निकली है, तो ठंड बिल्कुल नहीं है और कपड़े सूख जाते हैं पट से, सुखाते ही झट से सूख जाते हैं, तो अच्छा है, परेशान नहीं हो रही लेडीज़ घर में। और आज है लोहड़ी, तो हम दोनों की तरफ से मोटू किचन से बोल सकते हो या बाहर आओगे? हैप्पी लोहड़ी। तो हम दोनों की तरफ से आपको लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनकी शादी नहीं हुई है हम ये दुआ करते हैं कि फटाफट उनको उनका पार्टनर मिल जाए और उनकी शादी हो जाए, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनको भी हमारा आशीर्वाद है उनकी फटाफट शादी हो जाए। आज के दिन पंजाबी लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो कोई भी धर्म क्यों ना हो, कोई भी त्यौहार क्यों ना हो, जो हमारे हित में जाता है, जो हमारे अच्छे के लिए होता है, उसको अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। तो किसी भी धर्म के आप हैं, आप अपना जीवन साथी चुनें, अपने घर वालों को बताएं, और अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो जीवन साथी चुनने की जहमत ना उठाएं, घर वाले ढूंढ देंगे या बाद में ढूंढ लेना। सो दैट्स इट, और खूब खुश रहें, मस्त रहें, चिल मारें। ये छोटू इतनी सी तो है और इसको लग रहा है ये आशीर्वाद देने की उम्र में है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। मतलब आशीर्वाद समझो या दुआ समझो, बुजुर्ग हैं, अब से मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता बेटा। बेटा अच्छा। मोटू ने खाट पकड़ ली है आज, क्योंकि मोटू 2 दिन, कल तो 2 बार जिम जा गए थे, सुबह भी गए थे शाम में भी गए थे, कल शाम को ही गया था, आज 2 बार जाना है, कल शाम को जाने वाला सुबह चला गया और आज शाम को, कल सुबह भी गए थे आप, मेरे को याद है कल शाम में भी गए थे, एक बार ही गया था, और फिर कल की छुट्टी है ना इसलिए आज 2 बार जा रहा हूँ। पूरी बॉडी मोटू की टह टह बोल रही है, देखना कल बैक लगाई थी हाँ? तो आज बैक दुख रही है, और हाँ? आज सुबह लेग्स लगाए थे तो कल लेग्स दुखेंगे। तो अभी तो थोड़ा गर्म रहना मसल्स हाँ? तो प्लीज मसाज दे दो यार। गाइस आपको मैजिक दिखाते हूँ, देखना अच्छा ओके। मैं मोटू को बोल रही हूँ दूध नहीं है तो मैं ले आऊँ क्या? मोटू कह रहे हैं जा लिया, आलसी हो चुका है लड़का, तो 4 बजते चाय की तलब लगी है मोटू को और मोटू ला जाएंगे। तू मैं तो नहीं जा रहा, मैं ला ही नहीं रहा, अब बोल मेरे को तो पीनी नहीं चाय, प्लीज प्लीज तू जा दो, यू नीड टू गो टू रिहैब। चाय की तलब छोड़ने, चाय छुड़ाने के लिए मेरे को रिहैब जाना पड़ेगा।
सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं अग्रवाल केटर्स, अग्रवाल केटर्स, अग्रवाल केटर्स जो हमारे पड़ोस में ही है, काफ़ी अच्छी स्वीट्स मिलती हैं। और कल है सक्रांत तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा बहुत, सितोले वितोले तो खेलेंगे, इतने लोग हैं नहीं, तो हम पतंग लेके आएंगे और पतंग उड़ाएंगे। पतंग ना मेरे को उड़ानी आती ना इसको आती है, एंजॉय करेंगे। और सक्रांत पे हम लोग, हमारे यहाँ घेवर बनता है और छोटू को मेरे को घेवर पसंद भी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग घेवर भी लेके आएंगे, उसी के लिए हम अग्रवाल केटर जा रहे हैं। बाकी क्या मतलब, और पैदल जा रहे हैं, हाँ पैदल जा रहे हैं, वॉक करते हुए वेट लॉस करना है और क्या करना है, पेट कम करना है, पेट भी कम करना है, गेन क्या करना है, हेल्थ गेन करनी है, स्ट्रेंथ चलने से नहीं आती है। चलो अभी तो हम लोग निकलते हैं, बाकी ये बड़बोला बोलता रहेगा, गिर मत जाना, पहले बोल रहा हूँ। लोग में हमने बात की होगी वो ये जगह है, यहाँ एक गाड़ी रहती है ऐसे इतनी पूरे में, यहाँ एक रहती है ऐसे, पता नहीं कैसे पार्क लगाते हैं ये लोग। उस छोटे बच्चे को मैंने ऐसे किया, वो मेरे को मुड़के क्या कहता है, ओ आल पे ये देखिए फीनी ये वर अजवाइन, अजवाइन बोल रही, मेरा अजवाइन आ रहा मुंह पर, भीड़ इतनी हो रही है ना भाई साहब, नंबर ही नहीं है। इतनी मारामारी हो रही है घेवर के लिए संक्रांति के कारण, बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है। थैंक यू भैया, मोटू इज स्ट्रगलिंग ओवर देयर, देयर ही इज पर्ची हाथ में लेके, मिल नहीं रहा है उनको, आई गेस मोटू को मिल गया है घेवर, ये जंग जीत के आए, जंग जीत के आए, चलो जब भीड़ हो रहा तब अग्रवाल केटर्स में नहीं आ रहा जी, कोई फेस्टिवल हो तो हाँ यहाँ पे मिलता ही नहीं सामान, सामान में भीड़ कितनी है यार, बहुत ज्यादा भीड़ है। मुझे पीनी जब वो बंदा इसमें डब्बे में डाल रहा था, उसने तोला, तोल के उसने बाद में तोलने के बाद जब पीनी डब्बे में रख दी, उसने लास्ट में एक पीनी एक्स्ट्रा डाल दी, मेरा कैमरा ऑन था, वो आया कैमरा में शायद, उसने ऐसा किया होगा, उसकी नफरत होगी उसको दुकान के मालिक से, हाँ उसने एक्स्ट्रा बेनिफिट, मुझे बेनिफिट दिया उसने, उसने अपना बदला निकाला, तेरे को बेनिफिट नहीं दिया, व्हाटएवर इट इज, बट मेरा कैमरा ऑन था, आई थिंक व्लॉग में वो आ गया है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं वॉक करके घर, और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने 15 मिनट स्ट्रगल किया, मुझे पर्ची नहीं मिली, पता है कौन सी पर्ची, पर्ची वही कितना वेट है घेवर तुलाने के लिए, 15 मिनट में लाइन में लगी रही, एक अंकल सामने वो बिहारी एक्सेंट में बोल रहे थे, हम कितनी देर से खड़े हुए हैं, तोल दो ना आधा किलो भैया, बड़ा वाला घेवर कर दो ना, वहाँ से करे जा रहा बेचारा, आप बताओ वहाँ पे स्टाफ की कमी हो रही थी इनको, इतनी भीड़ थी मस्त वाली, और स्टाफ इनके पास कम से कम होगा 40-50 का, वहाँ पर वो आज कम पड़ रहा था, चींटियों की तरह पतंग उड़ रहा आज, दिख तो थोड़े ही रहा, किसी का पतंग उलझ गया है, पतंग क्यों उलझी, वो खींच रहा है पौधे को तोड़ेगा, वो तार भी हिल रहा है, पता है तार भी हिल रहा है, ये तार में भी उलझा हुआ है, धागा दिख रहा है तेरे को ऊपर, हाँ वो कैमरा भी नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है वो खींच 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 खींच, नहीं निकलेगा ये, कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ है, किसी का पौधा तोड़ेगा ये, अभी उसने ढीला छोड़ा है ट्रिक लगाने के लिए, अब खींचेगा वापस, ए ए ए ए ए देखते हैं देखते हैं, तो बच्चा लेने आया है अपना, निकाल के लेके जाएगा, तोड़ लिया उसने डर गई, शायद ये पास वाली छत के ही है, ले गया। तो गाइस हमारा डब्बा खुल चुका है आते ही, और ये मोटू लाल यार पता है इतनी अच्छी नहीं है, नहीं है अभी रनिंग में बन रही है ना, रनिंग में बन रही है, दैट्स व्हाई, कितनी बिक्री थी भयंकर।